नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का ये जो वीडियो है वो मुख्य रूप से तमाम उन सोसाइटी संचालकों के लिए है जो कि राजस्थान के अंदर सोसाइटी का संचालन कर रहे हैं। आज तक के जो वीडियो थे वो हमारे निवेशकों को लेकर थे, निवेशकों के हितों को लेकर थे और आज उन्हीं निवेशकों के हित में आज हम मुद्दे की बात कर रहे हैं सोसाइटी संचालकों के लिए। राजस्थान के अंदर 1500 से अधिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का संचालन हो रहा है जिसमें कई सोसाइटियां आज की तारीख में बंद हो चुकी है, किंतु वह तमाम सोसाइटियां जो कि आज भी कागजों के अंदर चल रही है या वास्तविक धरातल पर चल रही है, जब से आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का अस्तित्व खत्म हुआ है, तब से वह सोसाइटियां अपना संचालन ही सही तरीके से नहीं कर पा रही है। एक अजीब सा डर, एक अजीब सा भय, एक अजीब सी चिंता उन तमाम सोसाइटी संचालकों के मन में, उन तमाम सोसाइटी संचालकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मेंबर्स के मन में बैठा हुआ है और उनके परिवार में बैठा हुआ है। इसके पीछे कारण यह है कि हिंदुस्तान की सहकारिता का प्रतिबिंब माने जाने वाले आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब यह हाल हुआ तो ऐसी अवस्था के अंदर लोगों का आम स्थानीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में विश्वास उठता जा रहा है। इन सोसाइटी संचालकों द्वारा नियमों से लोगों को लोन दिए गए हैं, नियमों से लोगों से जमाई ली जाती है, किंतु विगत कोरोना के बाद और आदर्श नवजीवन और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की उन दुर्दशाओं के बाद लोगों का विश्वास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से उठ गया है। यही कारण है कि आज की तारीख में जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं उनको यह लगता है कि हमें लोन की किस्तें तो चुकानी ही नहीं है, यानी कि सोसाइटी संचालक हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहीं डिप्टी रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार जैसी संस्थाएं जिनके पास पावर है कि जो लोनी है उनके खिलाफ कार्रवाई करके वह सोसाइटी की ऋण वसूली की कार्रवाई करा सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा इन सोसाइटी संचालकों का किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया जाता है। तो जो लोन लेके बैठे इन सोसाइटी संचालकों से वह अपने लोनों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वहीं पर जो नियमित सदस्य थे, जो अपनी जमाएं इन सोसाइटी में जमा कराते थे, उन्होंने उसमें जमा कराना बंद कर दिया, नए सदस्य बनने बंद हो गए जिससे नया निवेश आना बंद हो गया। लेकिन खर्चे तो वो के वो ही है, स्टाफ की सैलरी पे करनी है, बिल्डिंग का किराया पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने हैं, सोसाइटी के मेंटेनेंस संबंधी सारे खर्चे पूरे करने हैं और जिन लोगों की परिपक्वता हो गई उनको परिपक्वता राशि का भुगतान भी करना है। लेकिन जिन्होंने लोन ले रखा है उन्होंने ऋण राशि की ईएमआई का भुगतान करना बंद हो गया, कर दिया है। ऐसी अवस्था में सोसाइटी संचालक किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है कि हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसी स्थिति में जब भी किसी सोसाइटी संचालक को यह लगता है कि हमारा विपरीत समय आ गया है, अब हम क्या करें, तो इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह वह अपने ऑफिसेस खाली छोड़कर कहीं फरार हो जाते हैं। और होता क्या है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस उनको अरेस्ट करती है, उनके ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। नुकसान किसका होता है, आम सदस्य का, आम निवेशक का, जिसने कि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन को देखकर, आपसी विश्वास को देखकर सोसाइटी में सदस्य बनकर राशि जमा कराए। तो ऐसी अवस्था के अंदर आज कई सोसाइटी संचालक है जो हमें फोन करके ये पूछते हैं कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि हमारे ऊपर कभी भी
कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज कर सकता है, कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लोग पुलिस थाने चले जाते हैं, SP ऑफिस चले जाते हैं, SOG में चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, निचली कोर्टों में चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में हम सोसाइटी संचालक करें तो क्या करें? आप तमाम सोसाइटी संचालकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी चिटफंड कंपनी की श्रेणी में नहीं आते। आपका रजिस्ट्रेशन एक अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और यदि किसी स्टेट से आप रजिस्टर्ड हैं तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट आप पर लागू है। पूरे अधिनियमों के अंतर्गत, पूरे प्रावधानों की पालना के अंतर्गत आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सहकारिता के सिद्धांत को पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए आप सोसाइटी को बैंकिंग एक्ट और RBI के दायरे से मुक्त रखा गया है, ताकि सहकारिता के सपने को साकार करते हुए आप अपने कार्यों को अंजाम दे पाए। लेकिन वहां पर यदि किसी कारण से आप तय समय पर परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं, या यहां तक कि लोन लेने वाले षड्यंत्रकारी लोग भी आपके विरुद्ध मिथ्या FIR दर्ज करा देते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपके पास कोई उचित विधिक सलाहकार नहीं होता है और आप अपनी सोसाइटी को बंद करके ताला लगाकर फरार हो जाते हैं। और नतीजा किसको भुगतना पड़ता है? आम निवेशक को, क्योंकि आपने तो सोसाइटी को ताले लगा के आप चले गए। FIR दर्ज हुई, कब तक भागेंगे? एक FIR दर्ज हुई, 5 FIR दर्ज हुई, 25 FIR दर्ज हुई, 100 FIR आपके खिलाफ दर्ज हो जाती है और विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसी आप पे टूट पड़ती है। और वह निवेशक जिन्होंने आपकी सोसाइटी में पैसा लगाया, वह उनका पैसा डूब जाता है। तो मैं उन तमाम सोसाइटी संचालकों से यह कहना चाहता हूं कि आपकी सोसाइटी का गठन एक अधिनियम, एक प्रावधान के अंतर्गत हुआ है, एक एक्ट के अंतर्गत हुआ है। आप कोई एक प्राइवेट बॉडी नहीं है जो आपको इन परिस्थितियों से घबराने की जरूरत है। लेकिन आपको यदि ऐसा लगता है कि यदि आपकी सोसाइटी अनियमितता की ओर जा रही है, आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो जिस तरीके से आपने सोसाइटी का गठन किया है उसी प्रकार एक्ट के अंदर सोसाइटी के परिसमापन का भी विकल्प है। और यदि आप सोसाइटी के परिसमापन का विकल्प समय रहते यदि तय करते हैं, तो मानकर चलिए आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके निवेशक भी सुरक्षित रहेंगे और उन लोनियों से भी राशियों की रिकवरी हो जाएगी जो आपसे लोन लेकर कुंडली मार के बैठे हैं और आपको उस ऋण राशि का भुगतान करना ही नहीं चाहते। तो राजस्थान के वो तमाम सोसाइटी संचालक जिन्होंने कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन किया है, कागजों में जिनकी सोसाइटी चल रही है या यथार्थ में चल रही है, और उनको लगता है कि अब वह अनियमितता की ओर जा रहे हैं, वह सोसाइटी संचालन नहीं कर पा रहे, उनको यह भय है कि आज नहीं तो कल उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उनको और उनके परिवार को जेल जाना पड़ सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जेल जाना पड़ सकता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को जेल जाना पड़ सकता है और हमारी सोसाइटी बंद हो जाएगी। तो समय रहते चेत जाइए, क्योंकि कानून में आपके लिए भी प्रावधान किया गया है। आप अपनी सोसाइटी के परिसमापन के विकल्प पे सोच सकते हैं। यदि आप समय रहते अपने पारदर्शी दस्तावेजों के साथ कि क्या एसेट्स है, क्या अकाउंट्स है, किन लोगों को आपने लोन डिस्ट्रीब्यूशन किए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने क्रय किए, क्या आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स है, इन सारी चीजों के साथ यदि आप परिसमापन के अंदर जाते हैं तो आप उन तमाम मुसीबतों से मुक्त हो सकते हैं जो अब तक आप सोच रहे हैं। परिसमापन की कार्रवाई में जाने पर न तो आपके विरुद्ध कोई FIR दर्ज हो पाएगी, न कोई आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर पाएगा, न विभिन्न जांच एजेंसियां आपके ऊपर उंगली उठा पाएगी, क्योंकि यह जो कुछ भी होगा वह सेंट्रल रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश पर इस तरह की प्रक्रियाएं पूर्ण होती है।
तो मैं ऐसे तमाम सोसाइटी संचालकों को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि विगत कुछ दिन माह से मैंने यह सुनने में आ रहा है कि जगह जगह सोसाइटी संचालक अपने ऑफिसों को खुला छोड़ के ताला लगाकर लोगों को बिना बताए वो फरार हो गए और बाद में वो अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आपने एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आपने एक संगठन को खड़ा किया, सहकारिता के सिद्धांत को आपने जीवित करने का संकल्प लिया, एक सबके लिए सब एक के लिए इस सिद्धांत के लिए आपने काम किया है। यदि आपकी सोसाइटी माइनस में भी चल रही है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप ऐसी मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी का कोई भविष्य आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप अपनी सोसाइटी का परिसमापन एक विधिक सलाहकार की मौजूदगी में उसकी सहायता लेकर कर सकते हैं। और यदि एक तरीके से आप इस चीज को अंजाम देते हैं तो उससे आपका तो फायदा है ही, आप हजारों मुसीबतों से बचेंगे, लेकिन वह निवेशक जिन्होंने आप पर भरोसा करके राशि जमा कराई उनका भी अहित नहीं होगा, उनका भी अहित नहीं होगा, उनके साथ भी न्याय होगा। क्योंकि यदि आप भाग जाते हैं, आपकी सोसाइटी बंद हो जाती है, आपकी सारी प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, तो सालों उन लोगों के का जो पैसा है वो अटक जाता है। लेकिन आप यदि एक विधिक परिसमापन सोचते हैं, कानूनी तथ्यों से सोचते हैं, तो आप अपने निवेशकों के हित में आ रहे हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि राजस्थान में 1500 से अधिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां चल रही है और वर्तमान में तो गजब हो गया। एसओजी द्वारा क्या पता कौन से आदेश से की जा रही है, विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर उनकी जांच की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर गाज गिरनी है। यदि आप किसी भी रूप से अनियमित है, आपके खिलाफ किसी भी रूप से कोई शिकायत होती है, तो आप संकट में आ सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब आपकी सोसाइटी को स्वयं स्टेट रजिस्ट्रार या सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा एक अधिनियम के अंतर्गत, कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया है, तो उसी कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत परिसमापन का विकल्प भी है, जो अपनाकर आप इन तमाम समस्याओं से निराकरण पा सकते हैं। सोसाइटी से जुड़ी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप सोसाइटी संचालक हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, और यदि आप सोसाइटी संचालक नहीं है और आपके कोई मिलने वाला यदि किसी सोसाइटी का संचालन कर रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। मुद्दे की बात है, समझने की बात है। बाकी यदि किसी भी प्रकार की समस्या किसी सोसाइटी संचालक के समक्ष आती है और वो अपने ही निवेशकों के हित में सोचता है, तो वह हमारे डिस्प्ले में दिए हुए मोबाइल नंबर पर फोन करके हमसे आगामी जानकारी ले सकता है और विधिक परिसमापन की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार आप कानूनी मुकदमों से बच सकते हैं, किस प्रकार आप निवेशकों के हित में सोच सकते हैं और खुद के भी हित में सोच सकते हैं। यदि यह जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से आप हमें कॉल करके समय लेकर हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।